हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आरिफ अहमद अपने चैनल बबलू फूड ब्लॉगर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं 11वीं शरीफ की फातिया में। तो ये 11वीं शरीफ की फातिया रायपुर रोड में एक जगह है, वहाँ पे थी और यहाँ पे 5,000 लोगों के खाने की व्यवस्था थी। तो हम पहले पहुँच गए हैं और खाने का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जश्न गसूलवारा 11वीं शरीफ के फातिया में। तो शेख परिवार आपका इस्तकबाल करता है, शेख अय्यूब फारूक। ये पूरा टेंट लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, एक तरफ ये व्यवस्था है, दूसरी तरफ है, दो तरफ बीच में पार्टीशन है। लेडीज जेंट का अलग अलग है। यहाँ कुर्सी बैठने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। ये इधर लेडीज़ की व्यवस्था है और ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कुर्सी सजा दी गई है। वाइट वाइट बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बेहतरीन कुर्सी सजा दी गई है। और कलर भी इसका टेंट का बहुत अच्छा है, शामियाना भी ऊपर तना हुआ वाइट कलर का। ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन टाइप का सजा हुआ है, कुर्सी लगी हुई। ये देख सकते हैं आप, एक घी में डूबा हुआ पूरा मूंग का हलवा है। आपको मेवे नज़र आ रहे होंगे अलग अलग प्रकार के, चिरौंजी हो गया, बादाम, काजू कटा हुआ, एकदम बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कितना किलो का है? तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मूंग का हलवा 75 किलो दोनों डेगों में है। और आइए हम और डेग देखते हैं। ये डेगों में मटन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये डेग दिखा रहा हूँ जो जो मैं, आप देखिए, ये डेग में मटन है। 5,000 आदमी के खाने की व्यवस्था है। और ये देखिए डेग में चावल, पूरा डेग में चढ़ के बन गया। रात भर से भिड़े थे भाई लोग, पूरा बनाए हैं। ये देखिए पूरा आग इसके ऊपर लगा हुआ है, देखिए आपको दम में करके छोड़ दिए हैं। इसमें दाल है ना, ये देखिए दाल में मिलाया जा रहा है, ये दाल चावल मिलाया जाएगा। देखते हैं, देखिए इस तरफ अभी बन ही रहा है, तैयारी हो ही रही है। लाइन से अलग अलग डेगों में चावल बनता हुआ, इसमें अभी पूरा चढ़ा दिया गया, बन रहा है, बनने की शुरुआत हो गया। पूरा मसाला दिख रहा है आपको, डेग में मटन बन के रेडी है। देखिए पानी डालता हुआ लड़का, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है। बहुत हीट आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पास है, ये इसका ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हीट बहुत ज़्यादा आता है। अब ये देखिए, इसको दाल का जो मसाला में बना के भून जाते हैं, अब इसको पलटा जाएगा, इसमें ये बना डाले हैं पूरा। इतना आग में रह के खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी रात से भिड़े हुए हैं यहाँ। सुबह का पार्टी अभी शुरू हो गया, देखिए भैया बाल्टी से डालेंगे अभी, आप देख सकते हैं। दाल का मसाला है ना ये पूरा, कितना दाल बना है इसमें? हाँ, 50 किलो दाल बन के रेडी, बस मसाला डालेंगे तैयार हो जाएगा ना। 60 किलो उधर बन रहा है भैया, और 60 किलो, 60 किलो दाल बन रहा है, पूरा बन के रेडी हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हो गंज में मटन और ये दालचा और चावल, बघारा चावल पूरा बन के रेडी है। और अभी लोग आना शुरू नहीं हुए, अभी 10:30 11 हो रहा है, हो सकता है 12 बजे से लोग आएंगे यहाँ पे। पूरा सजा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। ये देखिए आप, इसमें बेहतरीन तरीके से सब मसाले नज़र आ रहे हैं, तेल नज़र आ रहा है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये आग जल रही है, आप देख सकते हैं। अभी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और चढ़ते जाएगा डेग, इसमें ये बड़ी डेग है, इसमें 70 किलो चावल बनता है। और ये छोटी डेग है थोड़ी सी, तो इसमें 50 किलो बनता है बघारा चावल, मेरे भाई लोग ले जाते हुए। दाल ये है, अभी अभी उसमें पलटेगा गंजा में। ये देखिए अब इसमें ये जो दाल है इसको भी डाला जाएगा, पूरा दाल एक गंज में बनाया जा रहा है और पूरा ऊपर से इसे ढक के पकाया जाएगा। फिर आज धीरे धीरे आँच में पकते रहेगा, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा गंज होता है, छोटा सा दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन बहुत बड़ा होता है फ्रेंड, आप देख सकते हैं।
देखिए, और पूरा भाप यहाँ तक आ रहा है लकड़ी का, आँच काफ़ी हीट होता है। यहाँ पर रह के खाना भी बनाना है, धूप भी रखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो चाचा बेहतरीन तरीके से ये दाल में चम्मच चला रहे हैं और दाल में मसाले को बेहतरीन तरीके से मिला रहे हैं और इसी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखिए मैं दाल डाला जा रहा हूँ। ये देखिए चढ़ा दिया गया गंजा को। ये देखिए अपनी घी डाला जा रहा है, इसमें घी डाल दिया गया। चावल आ गया, देख रहे हैं आप, अभी चावल पकेगा इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये दालचे में धनिया पत्ती को बारीक कटा हुआ डाल दिया गया है और ये देखिए पूरा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धनिया पत्ती इसमें डाला जा रहा है और इसी का खुशबू आता है और काफ़ी टेस्टी दाल लगता है खाने में, बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ये 11वीं शरीफ की फातिहा है। देखिए एक तरफ चावल बन रहा है, उसमें खड़े गर्म मसाले डाल दिए गए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरफ इरफान भाई बघारा चावल बना रहे हैं, बघारा चावल की तैयारी कर रहे हैं और भी लोग यहाँ पे आते जाएंगे तो इस तरीके से इसमें बनता जाएगा और लोगों को मिलता जाएगा। ये देखिए मटन बन के रेडी है और मटन को बस चेक कर रहे हैं कि मटन गला है कि नहीं। तो ये देखिए पानी में इस तरीके से चेक किया जाता है मटन को कि मटन गला है कि नहीं गला है। तो ये देखिए मटन हो गया है, अब इसमें धनिया पत्ती डाल के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा तो बेहतरीन लगता है दोस्तों ऐसा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस मटन में धनिया पत्ती डाल दिया गया है और ये दूसरे मटन के डेग में मटन चेक किया जा रहा है, उसमें भी धनिया पत्ती डाल दिया गया तो बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है और काफ़ी टेस्टी देखने में लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए दोस्तों अब ये जो बघारा चावल बना रहे हैं उसमें मिर्च और ये गुलाब जल और पानी डाल दिया गया है, बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और ये देखिए आपको डेगों में हलवा नज़र आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये मूंग का हलवा पूरा घी में डूबा हुआ है और ड्राई फ्रूट आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन हलवा, बेहतरीन घी और बेहतरीन खुशबू और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों अभी खाना शुरू नहीं हुआ है लेकिन खाना जब शुरू होगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैं खाने का वीडियो बना रहा हूँ, खाना कैसे बनाया जाता है और कितनी मेहनत लगती है इसमें, तो आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से मूंग के हलवे में चम्मच चलाते हुए भैया, और ये देखिए मिलते जा रहा है और बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो इस तरीके से 11वीं शरीफ में खाना और हलवा बनाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, बेहतरीन अंदाज से और साफ़ सुथरे तरीके से, और बेहतरीन बनने के बाद खाने में भी बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और ये जो मूंग का हलवा है जब तक ये बेहतरीन तरीके से इसको भूना नहीं जाए तो इसका मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों अगर आपको कभी शादी में जाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसका टेस्ट लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। शादी में या पार्टी में या 11वीं शरीफ में आप कहीं भी जाएं तो ज़रूर से ज़रूर खाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से तारीफ़ करें क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों दूसरे डेग में भी ये चम्मच चला रहे हैं अंकल, और इनकी उम्र देखिए और इनका तजुर्बा देखिए और खाने पीने में ये जो भी चीज़ें बनाते हैं बहुत ही अनुभवी हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं। गुड्डा चाचा के ये बड़े भाई हैं और इरफान भाई, ये दो लोग मिल करके यहाँ का खाना, और गुड्डा चाचा रात में बना के सुबह चले गए थे तो हम आपको इसका वीडियो पूरा दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बन के पूरा तैयार हो गया है, रेडी हो गया है और लोग बस आने वाले हैं। और ये देखिए इधर चावल की बोरियाँ रखी हुई हैं, तो जैसे जैसे चावल लोगों में तकसीम होता जाएगा तो वैसे वैसे बोरियाँ खुलती जाएंगी। तो ये देखिए एक डेग में चावल ये इरफान भाई बना के कंप्लीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से नीचे आग जल रही है और ये चम्मच चलाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों। काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे खाना लोगों का तैयार किया जा रहा है, तो बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन चावल और बेहतरीन मटन और बेहतरीन दाल, मतलब बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का वीडियो शूट करने में और मैंने खाने का बस वीडियो बनाया है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं अपने चैनल बबलू फूड ब्लॉगर में आपका इस्तकबाल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।